यहाँ पे जनाब बच्चे खेल रहे हैं और ये ऊपर इनकी रहाइश है। हाँ जी, आप भी यहीं रहते हो ऊपर? थोड़ा ही फासला रह गया है, हमारा और मुजफ्फराबाद का। आपको जगह जगह पर जहाँ पे पानी आबशार लगी हुई है, गिर रही है, वहाँ पर आपको गाड़ियाँ और बाइक धोने के लिए भी जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है। पाइप्स लगाए हुए हैं, कॉल पर 50 रुपये लेते होंगे बाइक का और 100-150 गाड़ी का। मैं 10 बजे वहाँ से निकला था, हम निकले थे वहाँ से 10 बजे और अप्रॉक्सीमेटली हम दुनिया क्या नाम था यार जगह का, दुनियाल, वालबन, दुनियाल से हम निकले थे 9:30 वालबन, और अब शाम के मेरे ख्याल 5 बज रहे होंगे क्योंकि मगरब के करीब टाइम हो गया है। ओ तकरीबन कोई 7-7.5 घंटे लग गए क्योंकि हम स्लो आ रहे थे, और स्लो आने की वजह ये थी कि ताकि प्रॉपर जो है मूवी बना सकें हम, क्योंकि कल जो है वो काफ़ी स्पीड पे चलानी पड़ी थी, जिसकी वजह थी कि जल्दी पहुंचने की, क्योंकि वहाँ से बहुत लेट निकले थे हम मुजफ्फराबाद से, तो फिर कल काफ़ी स्पीड से बाइक चलानी पड़ी, और शायद के पूरी खूबसूरती हम आपको पिछली वीडियोस में ना दिखा सके हों, तो दैट्स वाई फिर आज जो है वो स्लो चला रहे हैं ताकि कंप्लीट व्यू हर जगह का हम ले सकें। दोबारे बार सूरज ग्रूब हो रहा है, तो ऊपर वाले पहाड़ों पे कितनी मतलब कितना प्यारा सीन लग रहा है यार, उन पर धूप पड़ी तो कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं, लाल पहाड़ लग रहे हैं। यहाँ पे जनाब बच्चे खेल रहे हैं और ये ऊपर इनकी रहाइश है। हाँ जी, आप भी यहीं रहते हो ऊपर? चिका।
बाकी जगह वैसे घूमने फिरने वाली है, बाकी मैं ये छुट्टियाँ मनाने वाली जगह है, आप कह लें कि आउटिंग करने वाली सही जगह ये है। मैं कश्मीर वेरी फर्स्ट टाइम आया और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि यार मुझे मेरी मतलब किस्मत अच्छी किस्मत के मैं यहाँ पे चक्कर लगाया, मैंने यहाँ पे आया। पहाड़ों की कटाई हुई है जो कटिंग में कितना खूबसूरत लग रहा है। आज जहाँ पे अंधेरा हो जाएगा वहाँ पे हम वीडियो ऑफ कर देंगे, क्योंकि अंधेरे में जब दिखना कुछ नहीं फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। कल थोड़ी सी अंधेरे में बनाई हमने वीडियो, लेकिन हकीकत यह है कि अंधेरे की वीडियो का तो हमें भी मज़ा नहीं आता। हाँ, सफ़र करने का अंधेरे में मज़ा आता है, लेकिन वीडियो का इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन बहरहाल वो कुछ ज़्यादा नहीं बनाए, उसके पार्ट जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे जो है वो डे लाइट में ही है। रोड्स बनाने वाले को भी शाबाश, कमाल रोड्स बना रहे, जिन्होंने मेहनत की है ये रोड बनाने में, शाबाश है। और शाबाश है इन लोगों को जो इतनी हाइट पे जाके घर बना लेते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं। मैं मतलब सोचता हूँ कि यार ये अपने सर्वाइवल के लिए सामान लाने में कितनी मेहनत करते होंगे, कितना कष्ट करते होंगे ये। हमारा जनाब कश्मीर लास्ट डे है,
कल से इंशाल्लाह ताला वापसी की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। ओ भाई मैंने जाना है, मैं रास्ते में हूँ, बस 10 किलोमीटर रह गया है। ओ भाई आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, अब जहाज नहीं है, क्या करूँ, ऊपर से उतराई है बहुत ज़्यादा। जय लाल, रूम का टाइम हो गया पूरा मुफ्ता सारा। ये जरा चश्मे का पानी गिर रहा है, चश्मे का ताजा पानी। जगह नहीं है, तकरीबन जी पहुंच गए हैं, थोड़ा सा ही फासला रह गया है मुजफ्फराबाद के लिए, बस थोड़ा सा फासला रह गया, बस पहुंचने वाले हैं, अल्लाह खैर करे। उम्मीद है कि 2-4 किलोमीटर रह गया होगा, 5 किलोमीटर मैक्सिमम। गालबंद पहली चौकी है, अगर हम मुजफ्फराबाद से आते हैं तो रास्ते में शायद ही पहली चौकी है। तो बोर्ड भी नहीं आ रहा, बोर्ड हो तो चलो बंदा देख लेता है कि कितना रह गया।
देखे, न कोई बोर्ड भी नहीं आ रहा। पहुंच गए बस, क्योंकि बाजार आ गया है, इट मीन्स कि बस पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। ये तांगा चौक कितना आगे है? तांगा चौक अच्छा, मुजफ्फराबाद कितना रह गया यहाँ से? 7-8 किलोमीटर। बहुत शुक्रिया। 17 का ओके, नहीं 2-4 किलोमीटर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर वो कह रहे हैं। तो चलते हैं स्पीड से। जब मुजफ्फराबाद का बाजार जो है वो भी कुछ इससे मुशाबत करता था, तो मैं समझ शायद मुजफ्फराबाद का बाजार है।